क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू का पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1/6 इन सिंगल थ्रो ऑफ 3 अनबायस्ड डाइस, मतलब हाथ में ऐसे डाइस है जिसमें 6 फेसेस में 6 अलग अलग आंकड़े स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू 6, ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी है जिसमें तीनों की तीनों डाई पे एटलीस्ट एक में 6 आना चाहिए। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 2 3 पहला डाई, दूसरा डाई, तीसरा डाई। अब यहाँ पे एक में एटलीस्ट 6 आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 6 को इग्नोर करते हैं, 6 आना चाहिए मतलब क्या, 5 नहीं आना चाहिए, मतलब यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक आया तो नहीं चलेगा। ऐसी टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हैं, तो यहाँ पे अगर मैंने 1 से 5 कुछ भी आया ठीक है, ये नहीं आना चाहिए, सिमिलरली 5, सिमिलरली 5। यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे टोटल नंबर 1 से 5 आने के कितने चांसेस है वो हमको पता होना चाहिए। तो अगर देखेंगे तो कितना आएगा, 125 ठीक। पर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि हमको सिर्फ एटलीस्ट 6 आना चाहिए एक इसमें, तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, तो टोटल 3 टाइल्स है और हर इसमें 6 आने की चांसेस ज्यादा है, मतलब 6 अलग अलग नंबर है, तो 6 का पावर 3 तो टोटल हो गया 216। तो एटलीस्ट 1/6 इन वन टाई अगर आना चाहिए तो वो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज है, तो टोटल 216 में से 125 आंसर कितना आता है, 91। पर हमारा आंसर अभी तक आया नहीं है, ये 91 ऐसे चांसेस है जब हमारे को एटलीस्ट 1/6 आएगा किसी भी एक डाई पे या तीनों डाई पे, ये आया 91 चांसेस, 91 अलग अलग कॉम्बिनेशन। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी कैसे आएगा, टोटल नंबर ऑफ चांसेस, फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चांसेस, टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं, 6/3 इसी नंबर में 216। अभी आप अगर इसको सॉल्व करना चाहोगे तो सॉल्व हो ही नहीं सकता क्योंकि 91 इज अ प्राइम नंबर। तो फाइनली आंसर कितना आता है, 91 डिवाइडेड बाय 216।